जेई मेन जनवरी 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एक एक करके. एक क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल एंड मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड इन इथाइल एसीटेट वॉज एक्सट्रैक्टेड इनिशियली विद अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव फ्रैक्शन ए. द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक फेज वॉज एक्सट्रैक्टेड विद डायल्यूट NaOH सॉल्यूशन टू गिव फ्रैक्शन बी. द फाइनल ऑर्गेनिक लेयर वॉज लेबल्ड एज फ्रैक्शन सी. फ्रैक्शंस ए बी एंड सी कंटेन रेस्पेक्टिवली, उसका चार ऑप्शन है, ठीक है ना. फ्रैक्शन पहला आंसर है कि मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, देन मेटाक्लोरोएनिलीन, देन मेटाक्लोरोफिनॉल. कहने का मतलब क्या है कि इन तीन कंपाउंड्स को सेपरेट किया गया है बारी बारी से. कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ किए गए हैं, सबसे पहले सीक्वेंस में सबसे पहले सॉल्वेंट था सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा सॉल्वेंट है NaOH, और तीसरा जो है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब दो सेपरेट हो जाएंगे तो तीसरा जो है वो प्योर रह ही जाएगा, ठीक है ना. तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं. ये POC का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं, एक है मेटाक्लोरोएनिलीन, ठीक है ना, मेटाक्लोरोएनिलीन, दिस इज कंपाउंड ए. इसमें मिक्स किया गया है, इसमें मिक्स किया गया मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल, दिस इज कंपाउंड बी, राइट. और इसमें एक और कंपाउंड मिक्स्ड है, दैट इज मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, राइट. ये है कंपाउंड सी, कैपिटल ए बी और सी. नहीं, माफ कीजिएगा, कैपिटल ए बी सी इनके नाम नहीं है, ये तो इन तीन कंपाउंड्स का मिक्सचर है, ठीक है ना. अब वो कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इस मिक्सचर को, जो कि इथाइल एसीटेट में मिक्स करके लिया गया है, सबसे पहले इस मिक्सचर को सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया गया. तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है ना. तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये इस फॉर्म में, यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना. ये हो गया डिसॉल्व, ये जो ये हो गया फ्रैक्शनेट, ठीक है ना, ये हो गया फ्रैक्शन. और जो लेफ्ट ओवर वाले बचे, जो बच गया, वो कौन कौन से बच गया साहब, इसमें बच गए कौन कौन से, एक बच गया मेटाक्लोरोएनिलीन और एक बच गया मेटाक्लोरोफिनॉल, ठीक है ना, ये दोनों बच गए अभी. तो ये फ्रैक्शन ए हो गया जो बाहर आ चुका है, ये वाटर लेयर में चला जाएगा. एक्चुअली क्या होता है, हम पहले सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको बढ़िया से शेक करके रिएक्शन करवा देते हैं, फिर होती है एक सेपरेटिंग फनल, इस तरह की एक सेपरेटिंग फनल होगी हमारे पास लैब में होती है. इसमें ओपनर लगा होता है ऐसे, इसको जब चाहे ओपन कर लें, जब चाहे क्लोज कर दें. तो सेपरेटिंग फनल में हमने इस पूरे मिक्सचर को डाल दिया, तो ऑर्गेनिक लेयर तो ऊपर रह जाएगी जिसमें मेटाक्लोरोनिलीन और मेटाक्लोरोफिनॉल है, और एक्वस लेयर जो सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में है वो नीचे रह जाएगा. अब आप इसे जब ओपन करेंगे ओपनर को, जब ओपन करेंगे इस नॉब को, तो नीचे से एक्वस लेयर निकल जाएगी. जब पूरी एक्वस लेयर निकल जाए तो रोक दीजिए आप इसे, तो हो गया सेपरेट, फ्रैक्शन ए बाहर आ गया. अब लेफ्ट ओवर में क्या है, इन्होंने कहा कि अब हम इसको एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे. एक्वस NaOH फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना. तो ये इसका फिनॉक्साइड बनाकर फिर से वाटर लेयर में चला जाएगा, ठीक है, ये फिर से वाटर लेयर में चला जाएगा. और लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा भाई, एनिलीन रह जाएगा. अब ये वाटर लेयर में आ गया, यहां पर फिर से इसको इसी सेपरेटिंग फनल में डाल के सेपरेट कर लेंगे. तो ये है फ्रैक्शन बी, और जो बच गया फाइनली वो है फ्रैक्शन सी. तो फ्रैक्शन ए बी और सी इसी सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, फिर मेटाक्लोरोफिनॉल, फिर मेटाक्लोरोएनिलीन. तो इस हिसाब से अगर हम आंसर देख लें, तो हमारा आंसर निकलेगा थर्ड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड इज फ्रैक्शन ए, मेटाक्लोरोफिनॉल इज फ्रैक्शन बी, एंड मेटाक्लोरोएनिलीन इज द फ्रैक्शन सी. तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए आंसर निकलेगा थर्ड, ठीक, नोट करें इसको.